नमस्कार, मैं हूं आर्यन चौरसिया और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान कई मरीजों ने अपनी जान गंवाई। ये स्ट्रोन इतना खतरनाक था कि लाखों लोगों ने पिछले साल की अपेक्षा इस बार अधिक जाने गंवाई हैं, और वो वजह थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। तस्वीरों में हमने देखा कि लोग हाथों में सिलेंडर लिए काफ़ी लंबी लंबी कतार लगाए हैं कि किसी तरह से उन्हें ऑक्सीजन का प्रबंध हो जाए और उनके मरीजों की जान बचाई जा सके। इस ओर ध्यान देते हुए भारत सरकार ने कई सारे ऑक्सीजन प्लांट चालू किए और जो ऑक्सीजन का उत्पादन भारत में होता था उसको दुगना किया, और विदेशों से जब ऑक्सीजन आई तब हमारे मरीजों की जान बच सकी है और अब कहीं जाकर स्थिति सामान्य हुई है। अगर हम बात करें, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ी हुई है और वो मुहिम है पेड़ों को बचाने के लिए। अब ये मुहिम किस प्रकार की मुहिम है, कहाँ की मुहिम है और ये मुहिम आखिर क्यों चलाई जा रही है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि इस मुहिम के बारे में हम आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हुआ, उस हैशटैग का नाम है सेफ बक्सवाहा फॉरेस्ट। अब ये हैशटैग है क्या, कहाँ का ये इलाका है बक्सवाहा जहाँ के जंगलों को बचाने की बात चल रही है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक तहसील है बक्सवाहा, वहाँ के जंगलों को बचाने की बात चल रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम है बंदर डायमंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत 382 हेक्टेयर के एरिया का जंगल है, इसको काटे जाने की बात चल रही है। अब ये आखिरकार ये जंगल क्यों काटा जा रहा है, 382 हेक्टेयर में कितने पेड़ आने वाले हैं और इसमें राज्य सरकार का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है इस चीज़ में, और ये आखिर मुहिम कहाँ तक पहुँच गई है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो बंदर डायमंड प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2000 से लेकर 2005 के बीच। 2000 से 2005 के बीच राज्य सरकार को पता चला कि बक्सवाहा क्षेत्र में करीब 3 करोड़ 42 लाख कैरेट के डायमंड पाए जाते हैं। अब तक जो देश में सबसे ज़्यादा हीरे पाए जाते थे वो थे छतरपुर से ही सटे पन्ना जिले के मछुआ में, जहां पर करीब बताया जाता था 22 लाख कैरेट के हीरे पाए गए हैं। और अब जो छतरपुर में जो हीरों की खोज हुई है वो हुई है 3,42,00,000 कैरेट के हीरे, यानी कि करीब 13 गुना ज़्यादा। अगर इस खोज को पाने में राज्य सरकार पूरी होती है तो भारत में पाए जाने वाले छतरपुर के बक्सवाहा में सबसे ज़्यादा हीरे होंगे। अब आखिर हीरों के सामने इन हीरों के उत्खनन के लिए मुसीबत क्या बनी हुई है? अब जिस क्षेत्र में पाए गए हैं ये हीरे, उस क्षेत्र में 382 हेक्टेयर का ये क्षेत्र है पूरा, और इसमें करीब 2,15,875 पेड़ लगे हुए हैं जिनको काटे जाने की बात चल रही है। अब लोग चाह रहे हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए हीरों से कहीं अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एक ही स्रोत है सिर्फ पेड़। पेड़ों के अलावा हमें कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ये मुहिम कहाँ से आना शुरू हुई है, ये कोई नई मुहिम नहीं है, मुहिम ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हालांकि अब इसने रफ्तार पकड़ी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है अब चालू होने वाला है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट चालू हो रहा है और लोगों की मुहिम भी अब रफ्तार पकड़ती नज़र आ रही है। 2 साल पहले राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कंपनियों को बुलाया और बोली इसके लिए लगाना स्टार्ट शुरू हुई। तो सबसे बड़ी जो बोली लगाई है वो लगाई है आदित्य बिरला की एक्सेल माइनिंग कंपनी ने। करीब 2,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 50 सालों के लिए राज्य सरकार ने ये जो ज़मीन है, 382 हेक्टेयर की ज़मीन है, ये कंपनी को लीज पर दी है। हालांकि कंपनी का कहना है कि हमें 382 हेक्टेयर की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 62 हेक्टेयर में ही माइनिंग करनी है और इसमें ही ये जो है सारे हीरे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पेड़ों की, कि आखिर पेड़ों को कितनी संख्या में काटा जाएगा, कब तक ये माइनिंग चलती रहेगी और इससे क्या नुकसान होगा पर्यावरण को। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये जो 2,500 करोड़ का बंदर डायमंड प्रोजेक्ट चलेगा, इसमें एक साथ पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, एक एक करके ये पेड़ काटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही लाखों पेड़ों का सफाया कर दिया जाए, धीरे धीरे करके इस प्रोजेक्ट के तहत पेड़ों को काटा जाएगा। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार ने बक्सवाहा तहसील के अंतर्गत एक 382 हेक्टेयर की ज़मीन कंपनी को अलॉट करती है। राज्य सरकार ने सख्त गाइडलाइंस, सख्त हिदायत कंपनी को दी है कि जितने पेड़ आप काटेंगे उतने पेड़ उससे पहले आपको वहाँ पर क्षेत्र में जो अलॉट की गई है ज़मीन उसमें लगाने पड़ेंगे। यानी कि मान लीजिए कंपनी को अगर 100 पेड़ काटने की ज़रूरत है तो कंपनी को पहले 100 पेड़ दूसरी जगह पर ये लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही कंपनी पेड़ काट के उस जगह पर बक्सवाहा में माइनिंग कर सकेगी। इसके पहले वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को ये प्रोजेक्ट देने की बात चल रही थी। हालांकि जैसे जैसे ये बोली नज़दीक आई, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने पहले ही अपना नाम उससे खींच लिया और अब भारतीय कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की एक्सेल माइनिंग कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप वहाँ पर माइनिंग करें और हीरो का उत्खनन करें।
तो अब बात आती है कि इससे हमारे क्षेत्र को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये पेड़ सिर्फ छतरपुर जिले के नहीं हैं, बुंदेलखंड के नहीं हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश के हैं और पूरे देश के पेड़ हैं, क्योंकि इनकी जो संख्या आंकी गई है वो आंकी गई है 215,875। हालांकि जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि सिर्फ 1,00,000 पेड़ ही काट जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 215,875 ऐसे पेड़ हैं, जिनमें करीब 30,000 पेड़ सागवाना के हैं, पीपल के हैं, तेंदू के भी हैं और अन्य औषधियों के पेड़ लगे हुए हैं इस क्षेत्र में। तो बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से आसपास के स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा है। बुंदेलखंड में सालों से ही रोजगार एक बड़ी समस्या रही है। यहाँ के लोग रोजगार के लिए महानगरों की तरफ जाते हैं, पलायन करते हैं, उसके बाद वापस से अपने क्षेत्र की ओर आते हैं और फिर से पलायन का ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। कंपनी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए हमें 1,000 से लेकर 1,500 कर्मचारी चाहिए पड़ेंगे और कंपनी ने दावा किया है कि स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1,000 से लेकर 1,500 लोगों को रोजगार देने की बात भी कंपनी द्वारा कही गई है। अगर अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है तो 1,500 लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है। तो अब इस प्रोजेक्ट से नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है हमारे पर्यावरण को। बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अगर 2,00,000 पेड़ का सफाया होता है, अगर एक साथ नहीं पेड़ काटते हैं, अगर 10 साल में या 20 साल में 2,00,000 पेड़ काटे जाते हैं, तो इससे पर्यावरण को नुकसान ये है कि इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या रहती है। अगर पेड़ काटे जाएंगे तो पानी बारिश नहीं होगी और बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त क्षेत्र होगा, यहाँ पर लोगों को पानी की किल्लत के लिए सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में क्षेत्रीय विधायक, बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का कहना है कि अभी तक सरकार ने सिर्फ एक योजना ही बनाई है, अभी भूगर्भ के अधिकारी और पर्यावरण के अधिकारी अभी वहां क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही सारी चीज़ें तय की जाएंगी कि कितने पेड़ काटे जाएंगे और सारी प्लानिंग उसके बाद ही बनाई जाएगी। अभी से कुछ कहना कि कितने पेड़ का सफाया होगा और अभी से मुहिम छेड़ना, अभी से आंदोलन करना, इस चीज़ के लिए गलत है और लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। अब बक्सवाहा के जंगलों को बचाने के लिए ट्विटर पर एक हैशटैग पिछले दिनों ट्रेंड हुआ था, उसका नाम था सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट। लगातार लोग हैशटैग के साथ में अपनी बात को रख रहे हैं और ये प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की एक समाज सेविका है नेहा सिंह, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई है, एक याचिका दायर की गई है इस प्रोजेक्ट पर रोक की मांग को लेकर। उनका कहना है कि ये जो पेड़ वहाँ काटे जाने हैं उनको ना काटा जाए और इस प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका स्वीकार कर ली है और उम्मीद है कि कोरोना कर्फ्यू के खत्म होने तक इस पर सुनवाई की जाएगी। युवाओं, क्षेत्र के युवाओं का भी कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के खत्म होने पर ये आंदोलन रफ्तार पकड़ेगा और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे कि पेड़ों को ना काटा जाए। कुछ लोगों का कहना है कि सालों पहले जो चिपको आंदोलन हुआ था, लोगों ने पेड़ों से लिपट कर पेड़ों को ना काटे जाने की अपील की थी और उससे बचाव भी किया था पेड़ों का, उस तरह का एक आंदोलन चलाए जाने की बात भी की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि हम इस मामले में आपको पूरी जानकारी देने में सफल हो सके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। वरदान एक्सप्रेस के लिए आर्यन चौरसिया।